नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूँ आपके साथ जसलीन कौर। और बात करें, जब से पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तमाम इस तरह के देश थे जिन्होंने अपनी बॉर्डर पर जो है बैन लगा दिया था नॉन सिटीजन्स के लिए। पर फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से सामने आ रहा है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स की बात करें और तमाम नॉन रेजिडेंट्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करने जाते थे काफी समय से, और कई ऐसे लोग थे जो अपने से जो है दूर थे इसी वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो है बैन लगाया था। और नियरली अबाउट हम कह सकते हैं कि 2 साल के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने इस बैन को हटाया है। फिलहाल हमने देखा कि जिस तरह से अगर बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें, तो उसका भी कहीं ना कहीं इस वक्त जिस तरह से केसेस देखने को मिल रहे हैं और लगातार इस तरह हाँ का देखने को मिल रहा है, पर उसके बावजूद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है रीओपन कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें नियरली 2 साल के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस बैन को जो है हटाया है, और क्योंकि बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरह से पैंडमिक के दौर से तमाम इस तरह के देश थे जिनकी इकोनॉमी की बात करें काफी ज्यादा असर जो है उस पे देखने को मिला था, और उन्हीं में से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी ये फैसला इसीलिए लिया ताकि, क्योंकि काफी अरसे से तमाम जो इकोनॉमी पर असर पड़ा था इस पैंडमिक की वजह से, तो कहीं ना कहीं अब ये सोचते हुए जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैन जो है हटाया ताकि इकोनॉमिक को जो है बूस्ट मिले। और बताया ये भी जा रहा है कि अगर हम बात करें जो न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें, तो उसको देखते हुए जो है डिले कर दिया गया था, और उसके बाद एक हाई ऑफिशियल मीटिंग जो है वो की गई थी, और जिसके बाद जाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर इस वेरिएंट की बात करें और क्या कुछ डिटेल्स जो है इससे निकल के जो है सामने आ सकती हैं, और उसी के बाद जो है ये फैसला जो है वो लिया गया। और फिलहाल जो बड़ा अपडेट यही है कि अब बॉर्डर को जो है वो खोल दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स जो अपने वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं स्पेशली, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया की डिमांड रहती है, और तमाम स्टूडेंट्स से, और क्योंकि जो डाटा भी सामने आया उसमें भी साफ तौर पर बताया गया है कि तमाम 1,60,000 स्टूडेंट्स की बात करें तो इस एंड ऑफ अक्टूबर तक जो है उन्होंने वीजा के लिए जो है अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और 2,35,000 फॉरनर्स की बात करें तो तमाम लोग थे जो लगातार इस वजह से रुके हुए थे, उनके काम भी रुके हुए थे, पर फिलहाल अब उनके लिए अच्छी खबर है। तमाम स्टूडेंट्स की बात करें जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते थे, पर पिछले 2 साल से जो बैन लगा हुआ था उस वजह से उनकी फाइल्स भी अटकी हुई थी और वो लोग उनके काम जो है नहीं हो पा रहे थे, उन तमाम बच्चों के लिए अच्छी खबर है, और तमाम उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो इस तरह ट्रैवल करना चाहते थे पर उनका भी ट्रैवल जो है नहीं हो पा रहा था सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि लगातार जिस तरह से पैंडमिक के दौर से ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स जो है वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो है क्लोज कर दिए गए थे। पर फिलहाल बड़ा अपडेट, क्योंकि मार्च 2020 से बात करें तो तब से ही ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने बॉर्डर्स जो है क्लोज कर दिए गए थे, पर फिलहाल लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीजंस की बात करें जो, या फिर जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन्हें जो है अलाउ जो है किया जा रहा था। पर फिलहाल बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स जो है वैक्सीनेटेड स्किल्ड माइग्रेंट्स की बात फॉरन स्टूडेंट की करें तो अब उनकी बॉर्डर्स जो है वो ओपन कर दिए ताकि उनकी जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी काफी ज्यादा जो है कम हो गई थी उसे भी कहीं ना कहीं अब बूस्टअप मिल सके, तो ये बड़ा फैसला जो है ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। हालांकि अभी भी लगातार ओमिक्रॉन वेरियंट की बात करें तो उसको देखते हुए खतरा काफी ज्यादा अभी भी देखा जा रहा है, या उसको लेकर चिंताजनक सिचुएशन अभी भी है, पर उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स जो है नॉन रेजिडेंट्स के लिए ओपन जो है कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट पे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।